मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक हैं सभी को मेरा नमस्कार। अब सारे शिक्षक को मिलेंगे पेंशन का लाभ, अब सारे शिक्षक को मिलेगा गर्मी का छुट्टी, फिर भी चलेंगे विद्यालय। और जो मामला था समरसेबल घोटाले, बेंच घोटाले, थारी प्लेट का घोटाला, अब सभी का होगा पर्दाफाश और कोर्ट लेगा बड़ा एक्शन। जांच चल रहा था, क्षमता परीक्षा देने के बाद काउंसिलिंग का मैटर सामने आया और उसके बाद कुछ शिक्षक को जांच के लिए बुलाए गए थे और वो शिक्षक अपना सर्टिफिकेट छोड़कर जहां जांच हो रहा था वहां से भागे सारे पदाधिकारी के सामने। तो क्या ये शिक्षक सारे फर्जी थे जो लोग भागे? आखिरकार भागने का मकसद क्या था? सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं रखने वाला हूं। और मैटर तो बहुत सारे हैं, एक पत्र भी वायरल हो रहा है, मतलब वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले सारे के लिए, चाहे तो बीपीएससी ट्री वाले हैं, चाहे तो जितने नियोजित शिक्षक हैं, चाहे तो फिर सक्षमता वाले एग्जाम दिए हैं, सारे के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक पत्र वायरल हो रहा है सामने, और ये पत्र सही है गलत है मैं तो उसका पुष्टि नहीं करूंगा, पर एक पत्र जो सामने आया है कि कोई भी जेंट्स टीचर लेडीज टीचर को बैठाकर अपने बाइक से नहीं लेकर जा सकता है विद्यालय, अगर पकड़ा गया तो होगा बड़ा कार्रवाई, समझ सकते हैं। अब लेडीज टीचर अगर बैठ जाता है जेंट्स टीचर के बाइक पे, अगर वो विद्यालय लेकर जाते हैं, बीपीएससी ट्री वाले के लिए है, जो बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं ट्री वन और ट्री टू में, वो लोग के लिए है, नहीं लेकर जा सकते हैं। और आप लोग को पता है कि कितने दूर से हैं, यहां तक तो ये आउट ऑफ स्टेट वाले भी हैं, कोई दिल्ली के हैं, तो कोई यूपी के हैं, तो कोई झारखंड के हैं, तो कोई मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं, ठीक है। तो कोई भी अब लेडीज टीचर नहीं बैठ सकता है, तो बात को ध्यान दीजिएगा, जितने भी बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं शिक्षक, उन सारे के लिए। मैटर तो बहुत सारे हैं, बात तो बहुत सारे बताने हैं, पर बहुत सारे बात मैं अभी तुरंत नहीं बोल पाया हूँ, पर वीडियो में बोलते बोलते मैं बहुत सारे बात रखूंगा। जैसे कि बीएड वालों को लेकर, जो बिहार के शिक्षक के जो बीएड धारक हैं, जो 1-5 प्राइमरी में काम कर रहे हैं, उनका भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो लोग चिंतित थे भाई, परेशान थे कि अब तो मेरा सारा खत्म हो गया, पर खत्म नहीं, उनको भी मौका मिल गया, अब वो भी विशिष्ट शिक्षा का लाभ उठाएंगे। तो सारे चीज को लेकर मैं आप लोग के बीच में जानकारी रखने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, नए आ रहे होंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आवाज बनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है शिक्षक लोग के साथ, उस सारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और ये चैनल आपका है, और इस चैनल का एक ही काम है, सच्चाई को सामने लाना, झूठे लोग हैं, अन्याय हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना। अब जहां पर जांच चल रहा था, आप लोग को पता है कि सक्षमता का एग्जाम दिए गए, अब एग्जाम के बाद जांच के लिए कुछ शिक्षक को बुलाया गया, पता है कि काउंसलिंग सब होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि कोई शिक्षक फर्जी भी हैं, सर्टिफिकेट के साथ उनको बुलाया गया, तो बुलाया गया तो शिक्षक लोग वहां से सर्टिफिकेट छोड़कर भागे, क्योंकि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था और जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट था, दोनों का सीरियल नंबर सेम था। और बहुत सारे, चाहे तो एसटीटी का सर्टिफिकेट हो, चाहे तो फिर सीटेट का हो, सारे बहुत सारे फर्जी भी हैं, और आप लोगों को पता है कि फर्जी सारे जगह पाए भी जाते हैं। अब फर्जी को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कुछ शिक्षक फर्जी होते हैं जो कि गए थे, और सारे इतने बड़े माहौल में सारे पदाधिकारी सारे लोग के सामने वो अपना कैसे छोड़कर सर्टिफिकेट छोड़कर भाग गए, तो कहीं ना कहीं फर्जी थे, और फर्जी सभी जगह पाए जाते हैं कुछ ना कुछ, और ये सारे जगह रहते हैं, वो कोई बताने वाला मैटर नहीं है। एक मैटर और भी सामने है, जो कि मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब और शिक्षक के बीच में जो मैटर हुए, और ये मैटर हाईकोर्ट तक गया, और हाईकोर्ट से शिक्षा के पक्ष में आ गए। अब हाईकोर्ट भी समझ गया कि किस तरह शिक्षक लोग के साथ प्रताड़ना हो रहा है, किस तरह शिक्षक लोग के साथ अन्याय किए जा रहे हैं, ये तमाम शुरू से ही देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे चीज को लेकर मैं बात करने वाला हूं, सारा मैटर रखने वाला हूं, पर इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो एक थोड़ा सा मजाक टाइप का लगता है, और ये मजाक टाइप कैसे नहीं लगता है, आप मुझे बताएं कि जो भी बीपीएससी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, अब उनको 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर तक दिए गए अपने गृह से बिहार वाले का, आउट ऑफ स्टेट वाले को तो भुला ही जाए भाई कि ये 900 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है ये तो आप जानते ही हैं। अब ऐसे में जो विद्यालय उनको मिलता है, अब तो बाहर के भी शिक्षक बहुत सारे हैं, कोई लोग बिहार का भी है, तो उनको 200-300 किलोमीटर दूर तक भी दिया गया है, और ऐसा ऐसा जगह दिया गया है जहां वो ना गाड़ी का साधन है, ना अच्छा रोड का साधन है। और ऐसे में अगर कोई शिक्षक जा रहा है, और लेडीज टीचर अगर बोलती है कि मुझे भी ले चलें, अगर उनको सपोर्ट, अगर हेल्प कर दिया जाता है, अगर वो लेकर चले जाते हैं, तो उन पर फिर कार्रवाई कैसे होगा भाई? कार्रवाई का बात सामने आ रहे हैं। अब ये जो वायरल हो रहा है लेटर, वो गलत है, सही है, पर लेटर वायरल हो रहा है, अब उन पे कार्रवाई होंगे, अब उनका क्या गलती है, उनका अब चरित्र पे भाई अब सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको इतना ज्यादा लगता ही है, अगर लेटर से अगर इतना ज्यादा आपको लगता ही है, तो आप उनको जहां स्कूल है, विद्यालय है, वहां पर आवास बनवा दें, आवास में रखें सारे शिक्षक को, ज्यादा दिक्कत है तो स्कूटी सिखाकर स्कूटी दे दें, सारा चीज करें, इनके लिए व्यवस्था करा दें, क्यों जाएंगे? अरे भाई जा, गाड़ी का साधन है, यहां पर दिक्कत है, अब वहां पर अगर लेके चले जाते हैं आप छुट्टी में भी, होली ऐसा पर्व में जब विद्यालय चालू कर देते हैं, जिस दिन गाड़ी बंद रहता है, अगर वो हेल्प ही कर देंगे, बैठा कर ले जाकर विद्यालय छोड़ी देंगे, तो फिर क्या गलत है भाई? और जहां तक बात आता है गर्मी छुट्टी का, बात
आप ही लोग बोल रहे हैं कि गर्मी छुट्टी होंगे, 2 महीने का गर्मी का छुट्टी मिलेगा, पर विद्यालय चलेंगे 15 अप्रैल से 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक चलेंगे, सुबह में चलेंगे ना भाई, बच्चे लोग आएंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग आएंगे, शिक्षक भी आएगा, तो फिर छुट्टी किस चीज़ का, छुट्टी का अर्थ क्या होता है, छुट्टी का मतलब क्या होता है, शायद उनको अब समझाना पड़ेगा वो सारी चीज़ को लेकर। अब बोल रहे हैं कि विद्यालय भी चलेंगे, बच्चा भी आएंगे, बच्चा ट्रेनिंग भी लेगा, अब शिक्षक लोग आएंगे ही, फिर भी छुट्टी का बात किए जा रहे हैं, तो फिर छुट्टी कहाँ मिला? अब तो भाई विद्यालय में शिक्षक आ ही रहा, बच्चा आ रहा, तो फिर छुट्टी का कोई मैटर ही नहीं रहा, और 15 अप्रैल से 15 मई तक छुट्टी है विद्यालय में, गर्मी का छुट्टी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं, और क्लास भी चलाया जा रहे हैं 8 से लेकर 10 बजे तक, तो तमाम सारे मैटर हैं जो कि आप लोग समझते हैं, आप लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक लोग के साथ किस तरह से गुड फ्राइडे हो, चाहे तो होली हो, चाहे तो गर्मी छुट्टी हो, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, बस आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, और आवाज़ बनना चाहिए, और आवाज़ मिलकर उठाना होगा कि सारे जो चाल चल रहे हैं, जो सारे गेम चल रहे हैं, उस सारे गेम का पर्दाफाश हो सके। अब मैटर सामने आया घोटाला का, अब समरसेबल घोटाला को लेकर आप लोगों को पता ही है कि जो मैटर चल रहा है, जो लड़ाई चल रहे हैं कोर्ट में, डीओ साहब और ये समरसेबल गाड़ा हुआ है, फिर भी समरसेबल गाड़ने का बात किए जा रहे हैं, अब घोटाला पर भी पर्दाफाश होगा, बहुत ही जोर शोर से होगा। अब जो भी इसमें शामिल हैं, जो भी इसमें मिले हुए हैं, उन सारे के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि अब घोटाला जो मैटर सामने आ रहा है, ये बहुत ही बड़े लेवल का घोटाला है, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, और इसी चीज को लेकर शिक्षक लोग को परेशान किए जाते हैं। अगर शिक्षक लोग आवाज उठाते हैं, अगर प्रधानाध्यापक या अध्यापक आवाज उठाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। अब तीसरा मेन मैटर है पेंशन को लेकर, आप लोग को पता है कि अभी चुनाव का रैली चल रहा है, चुनावी रैली है, और इसमें मंत्री लोग, बड़े बड़े सरकार जो वादा करते हैं, अपना वादा तो यह भी किए गए थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वादा पूरा नहीं हुआ, और किस तरह से भटकाए गए, लाठी चार्ज और डंडा चार्ज करवाए जाते हैं, और शिक्षक लोग पे किस तरह से कार्रवाई किए जाते हैं वो सारे शिक्षक जानते हैं। अब जब वोट का बारी आया है, तो अब उनको याद आ रहा है शिक्षक, अब जानते हैं कि शिक्षक तो भाई है ही है, बिना शिक्षा का कुछ होगा नहीं, अब शिक्षक लोग का याद आ रहा है, अब शिक्षक लोग पे बात किए जा रहे हैं कि जो भी शिक्षक है उनको पेंशन भी दिया जाएगा अगर हम जीत गए, वादा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर मैं जीत गया तो मैं पेंशन दिलवाऊंगा, सारे शिक्षक को पेंशन मिलेगा, अलग अलग बातें बताए जाते हैं, पर आपने सब सरकार को देख लिया, सब मिले हुए थे, सब बैठे हुए थे, सबको एक साथ काम करने के लिए मिला, अब नीतीश कुमार भी हैं, चाहे तो जो भी सरकार है सबको मिला। अब दावा कर रहे हैं, और दावा करने के बाद जो सामने आ रहे हैं कि मैं पेंशन दिलवाऊंगा, क्या मिलेगा आपको भी पता है, बिना सत्य राजकर्मी का दर्जा तो दे ही दिया गया आप लोग को, आप लोग भी जानते हैं किस तरह से प्रताड़ना किया गया, एग्जाम लिया गया, क्या किए गए, अब पेंशन मिलेगा, पेंशन देंगे वो, बिलीव करिए उन पर। तो सारे शिक्षक समझदार हैं, शिक्षक लोग को आप भटकाइए नहीं, और जो भी है आप लोग समझते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है, अब पेंशन का बात किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, बहुत सारे तमाम बात किए जाएंगे शिक्षक के पक्ष में जीतने के लिए कि वोट मिल जाए शिक्षक लोग का, पर शिक्षक लोग इस बार समझाएगा, अच्छे से समझाएगा, ठीक है, शिक्षक लोग के साथ अब क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं, अभी भी मौका है, सुधर जाए, नहीं सुधरिएगा तो शिक्षक लोग सुधार देंगे। तो तमाम सारे मैटर है, पेंशन को लेकर, बिना शर्त राजकर्मी दर्जा को लेकर, घोटाले को लेकर, घोटाला भी चरम सीमा पर चल रहा है, अब पर्दाफाश हो रहे हैं, अब लड़ाई हो रहे हैं, तो कोर्ट भी शिक्षा के पक्ष में आ रहे हैं, कोर्ट भी अब समझ गया है, अब लेडीज टीचर नहीं जा सकते हैं जेंट्स टीचर के साथ, तो भैया उनके लिए व्यवस्था कर दें, सवाल उठा रहे हैं उनपे, 50 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर पर रखे हैं, अब उनका किसी कारण से नहीं जा पा रहे, अगर उनको कोई हेल्प कर दे रहा है, विद्यालय भी चला रहे हैं, बच्चे लोग नहीं आते, विद्यालय में शिक्षक लोग तो आते हैं, तो वहां पर तो शिक्षक लोग मौजूद रहते हैं, बच्चे लोग मौजूद नहीं रहते हैं, ऐसा होता है ना भाई कि छुट्टी में अब शिक्षा विद्यालय में बच्चा लोग नहीं आ रहा है, चाहे गर्मी की छुट्टी है, बच्चा लोग तो चला जाएगा, फिर तो वहां रहेंगे, तो वहां पर आप कौन देखभाल करेगा, वहां पर कौन जांच पड़ताल करेगा, तो ये अलग अलग गेम खेले जाते हैं, अलग अलग नियम हमेशा लगाए जाते हैं, बस इस नियम को समझना होगा और सामने बात रखना होगा। तो ये जानिए कि किस तरह से मजाक किए जा रहे हैं शिक्षक लोग के साथ, क्या साथ में बैठा कर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकर जा नहीं सकते हैं, एक तरह का मजाक है। अगर उनको इतना ज्यादा चिंता है तो उनके लिए कुछ स्पेशल आवास दिवा दें, स्पेशल व्यवस्था कर दें, ज्यादा पैसा दें, बगल में रह सके शहर में रह सके, शहर में ट्रांसफर करा दें, ऐच्छिक ट्रांसफर दे दें कि अपने सुविधा अनुसार वहां पर जा सके, सारा कुछ करना चाहिए उनको, जो स्थानांतरण का बात की जाते हैं दे दें उनको, फिर दिक्कत नहीं होगा, सामने कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं, और पेंशन का बात की गए थे, चुनावी माहौल चल रहा है, आप लोग इस पर अपना राय जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, और जितने मेरे साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर सपोर्ट करिएगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, और ये आवाज उठाइएगा इस चैनल के माध्यम से,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।